हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो भारत की जनगणना 2011 हुई थी, तो उससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। और बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा था कि जनगणना के ऊपर डाउट होता है क्योंकि हर बुक में डाटा अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं जनगणना के जो है लगभग हमारे 3 वीडियो रहेंगे और 3 वीडियो में जो है पूरी जनगणना का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो जनगणना वाला पार्ट कवर होगा उसमें मैं साथ ही साथ इंडिया लेवल और छत्तीसगढ़ लेवल दोनों का कंपेयर करते हुए यहां पर हम इकट्ठा पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में 18 जिले और 27 जिले के हिसाब से किस जनगणना में क्या छत्तीसगढ़ का डाटा है वो अलग अलग भी देखेंगे। और कब 18 जिले के हिसाब से आंसर लेना और कब 27 जिलों के हिसाब से आंसर लेना, ये भी पार्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा कब ऐसा करना है। तो अगर आपको वीडियो जो है आज का अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। उसके पहले जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन था मूसे खां की जो दरगाह है वो कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो मूसे खां की दरगाह जो है वो रतनपुर में है। सेकंड क्वेश्चन, गोपाल वीर यानी गोपल्ला जो हम पढ़े कलचुरी काल में उनका धर्म क्या था, वो शाक्त धर्म के थे यानी देवी के उपासक थे, शाक्त धर्म के थे वो। अगला, श्यामा स्वप्न रचना किसकी, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। और था पंचामृत रामायण, पंचामृत रामायण जो है जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। और जो आज के 4 क्वेश्चन है उसको मैं अंत में बताऊंगा उसका जो भी क्वेश्चन है। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम जनगणना चालू करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज देख लेते हैं। देखिए, जनगणना के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जनगणना जो है सबसे जो जनगणना जो है भारत में अनुसूचित 7 में 3 अनुसूची होती है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो जनगणना जो है वो एक केंद्र सूची यानी संघ सूची का एक सब्जेक्ट है। प्रतिवर्ष जो है प्रति 10 वर्ष में एक बार जो है जनगणना होती है यानी 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना जो हुई थी सीमित क्षेत्र में हुई थी 1872 में, 1872 में। और उसके बाद जो नियमित जनगणना चालू हुई है वो हुआ है 1881 1881 लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है, यानी जनगणना जो हो रही है अभी भारत में हर 10 साल के अंतराल में वो जो है लॉर्ड रिपन के काल से जो है नियमित जनगणना चालू हुई। लेकिन सबसे पहले सीमित क्षेत्र में जो जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। इसके अलावा जो है जो 1976 को भारत में पहली बार जो है जनगणना नीति अपनाई गई थी यानी जनगणना नीति जो है लाई गई थी 1976 के काल में, भारत में सबसे पहली जनगणना नीति लाई गई थी। तो और इसके अलावा जो है सन 1911 और से 21 यानी 1911 से 21 इसको जो है जनसंख्या विभाजक दिवस के नाम से भी यानी जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो भारत की थी पहली बार निगेटिव में चले गई थी। यानी जो है जैसे मान लीजिए जनगणना 2001 और 2011 में हो रही है तो 10 वर्ष के अंतराल में यहां पर 1911 और 21 में जो जनगणना हुई थी दोनों के जो 10 वर्ष का अंतराल था ये पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत की जनगणना बढ़ने की अपेक्षा घट गई थी। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है जनसंख्या विभाजक वर्ष या जन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब हम चालू करते हैं जनगणना वाला पार्ट और देखते हैं यहाँ पर जो डाटा है जनसंख्या का या जनगणना का वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई है उसको डाटा मैं यहाँ लाइन से बताते जा रहा हूं, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। तो भारत की जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के हिसाब से 121.07 करोड़। ठीक है, यानी 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की 2011 में। तो यहाँ पर 121 करोड़ में जो है मेल का पर्स मेल कितने थे उसमें यानी पुरुषों की संख्या थी 62.32 करोड़ यानी लगभग 62 करोड़ जो है वो पुरुष थे। और जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 58 करोड़ यानी 58 करोड़। टोटल है 58.75 करोड़। तो मैं उसको राउंड फिगर में 58 करोड़ बोल रहा हूँ। 62 करोड़ मेल थे और 58 करोड़ जो थी फीमेल थे। तो भारत में ये 121 करोड़ जनसंख्या भारत की थी 2011 के हिसाब से। उसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी उस समय, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 2,55,45,198। ठीक है, जिसमें से पुरुष थे 1.28 करोड़ और फीमेल थे यानी महिलाएं थी 1.27 करोड़। यानी देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम है मेल और फीमेल में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 2,55,45,198
जिसमें से पुरुषों की संख्या थी 1.28 करोड़ और महिलाओं की संख्या थी 1.27 करोड़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो 2,55,45,198 की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। यहाँ पे मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के का 2.11% है, 2.11%। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 16वें नंबर पे आता है। चाहे हम राज्यों को ही देखें तब भी 16वें नंबर में, और अगर उसमें हम केंद्र शासित प्रदेश यानी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन यूनियन टेरिटरी उनको भी जोड़ दें तब भी छत्तीसगढ़ का स्थान 16वां ही नंबर आएगा। तो जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 16वें नंबर में है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे आता है बिहार। यानी यूपी, महाराष्ट्र और बिहार ये टॉप के 3 जनसंख्या वाले जो हमारे राज्य हैं। मिनिमम में सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है और उसके बाद आता है मिजोरम। ठीक है, तो मैक्सिमम यूपी, महाराष्ट्र और बिहार टॉप के हैं भारत में और मिनिमम है सिक्किम और मिजोरम, सबसे कम जनसंख्या यहां पर है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो रायपुर जिले में है, रायपुर के बाद आता है बिलासपुर जिला, बिलासपुर के बाद आता है दुर्ग जिला और दुर्ग के बाद आता है जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, तो ये 4 जिले जो है टॉप के हैं जहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मिनिमम देखते हैं, मिनिमम है नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ठीक है, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा ये सब जो डाटा है ये 27 जिलों के हिसाब से, ये 27 जिलों के हिसाब से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 27 जिलों के हिसाब से रायपुर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, फिर आता है बिलासपुर, फिर आता है दुर्ग, फिर आता है जांजगीर चांपा, मिनिमम में आता है नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो ये हो गया हमारे जनसंख्या वाला बेसिक चीजें। ठीक है, अब हम देखते हैं लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ या भारत की क्या स्थिति है। तो लिंगानुपात जो है इसमें लिंगानुपात का एक्चुअल मतलब होता है कि प्रति 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी अगर 1,000 पुरुष पैदा हो रहे हैं तो कितनी महिलाएं पैदा हो रही है या कितनी महिलाएं वहां की जनसंख्या है। ठीक है, तो प्रति 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो होती है उसको बोला जाता है लिंगानुपात। ठीक है, तो यहां पर भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है, यानी सेक्स रेशियो जो है वो है 940। ठीक है, ये सिर्फ राज्यों के हिसाब से, ठीक है, जो हमारे भारत में राज्य है उसके हिसाब से है 940, और यदि उसमें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया जाए तब भारत की जो है जो लिंगानुपात है वो होगा 943। अगर क्वेश्चन आता है और उसमें लिंगानुपात में कुछ लिख के नहीं देता, सिर्फ लिंगानुपात पूछता है, तो हमको राज्य वाला डाटा लेना पड़ेगा। ठीक है, 940 वाला। अगर उसमें स्पेशली यूनियन टेरिटरी जोड़ के देता है तब हमको 943 लेना है। ठीक है, तो राज्यों के हिसाब से 940 और अगर उसमें यूनियन टेरिटरी जोड़ दे तो 943। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य है केरल, जहां पे है 1,084, यानी प्रति 1,000 पुरुषों में वहां पर 1,084 महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो केरल का है लिंगानुपात 1,084। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु 995 और आंध्र प्रदेश 992। देखिए, जो ये मैंने डाटा लिया है ये लिया है मैंने इंडिया 2017 से, यानी भारत 2017 से ये डाटा मैंने लिया है। कई बुकों में इसको 996 लिख के देता है और इसको 993 लिख के देता है, लेकिन भारत 2017 के डाटा के हिसाब से ये तमिलनाडु 995 और आंध्र प्रदेश 992 है। तो इस हिसाब से लेंगे। मिनिमम में देखते हैं, सबसे मिनिमम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहां पर है 879। फिर आता है जम्मू कश्मीर, जहां पे है 889। थर्ड नंबर पे आता है सिक्किम 890 और फोर्थ नंबर पे आता है पंजाब 895। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890 और यहां पर पंजाब 895। ठीक है, तो ये मिनिमम लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है 2001 और 2011 का हमने कंपेयर किया यहां पर। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 989 और 2011 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। यानी लिंगानुपात में 2 की वृद्धि हुई है यहाँ पर 2011 और 2001 का कंपेयर करेंगे तो 2001 में 989 था, 2011 में 991 है। अब हम देखते हैं रैंक, देखते हैं छत्तीसगढ़ का भारत में रैंक कितना जनगणना लिंगानुपात के अनुसार। तो छत्तीसगढ़ का भारत में लिंगानुपात के अनुसार 4th नंबर आता है,
ठीक है। अगर मैं केवल स्टेट वाइज बात करूं, केवल राज्यों को देखूं, तो छत्तीसगढ़ ये तीन लिखा है मैंने, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चौथा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, जहां का लिंगानुपात है 991। और यदि मैं केंद्र शासित प्रदेश यहां पर शामिल कर दूं यानी यूनियन टेरिटरी, तब छत्तीसगढ़ का रैंक हो जाता है पांचवा। तो एक यूनियन टेरिटरी यहां पर जुड़ता है जिसका नाम है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का जो लिंगानुपात है 1038 है, यानी अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दूं तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात पांचवा हो जाएगा। वहां पौंडीचेरी केरल के बाद जुड़ जाएगा, 1038 है उसका। अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो चौथा नंबर है। जो बुक दी हुई है यहाँ पर, कई बुकों में छत्तीसगढ़ का डायरेक्ट पांचवा नंबर दे दिया लिंगानुपात के अनुसार, तो वो गलत है। चौथा नंबर है लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का, और यूनियन टेरिटरी जोड़ने के बाद पांचवा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात में। अब देखते हैं हम 18 जिलों के हिसाब से देखते हैं, तो 18 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के 7 जिले ऐसे थे जहां पर लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है उनसे। और 27 जिलों के हिसाब से 13 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना 18 जिलों के हिसाब से 7 जिले 1000 प्लस है, और 27 जिलों के हिसाब से 13 जिले जो है वो 1000 प्लस है, ठीक है। तो जनगणना के हिसाब यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ 18 जिलों के हिसाब से कौन से जिले 1000 से ज्यादा है, वो है बस्तर 1023, दंतेवाड़ा 1020, महासमुंद 1017, राजनांदगांव 1015, धमतरी 1010, कांकेर 1006 और जसपुर 1005। और 27 जिलों के हिसाब से देखूं तो कोंडागांव टॉप पर है 1033, फिर आता है दंतेवाड़ा 1023, फिर आता है बालोद 1022, फिर आता है गरियाबंद 1020, महासमुंद 1017, बस्तर 1017, सुकमा 1017, राजनांदगांव 1015, धमतरी 1010, कांकेर 1006, जसपुर 1005, बलौदा बाजार 1004 और बेमेतरा 1001। तो यहाँ पर क्योंकि 1000 से ज्यादा है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन बनता है ये कि छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, कितने जिले, ये सब क्वेश्चन आता है। तो हमको ये याद रखना है कि कौन से जिले 1000 से ज्यादा लिंगानुपात है, क्योंकि स्पेशल चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको पूरा याद रखना है, क्योंकि 18 जिले, और देखिए हमको पहचानना कैसे कि 18 जिले या 27 जिले के हिसाब से पूछा है, तो वहां पर क्वेश्चन में साफ या तो मेंशन किया जाएगा, या दूसरा अगर जिलों के नाम दिया गया है तो उसमें देखेंगे कि हम कौन से नए जिले बने हैं। अगर उनका नाम उस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट तो पता चलता है 27 जिले के हिसाब से पूछा है। यदि ऑप्शन में एक भी चीज मतलब नए जिलों के नाम नहीं दिए हैं तो वो जो है 18 जिलों के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। तो जिलों के नाम अगर नए वाले जो नए जिले बने उनके नाम ऑप्शन में दिए हैं तो वो जो है 27 जिलों के हिसाब से, अगर नहीं दिया नए जिलों के नाम तो ये जो है 18 जिलों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे हमको पहचानना पड़ेगा। मिनिमम देखते हैं, मिनिमम जो है 18 जिलों के हिसाब से सबसे कम जो है लिंगानुपात कोरिया का था 968, सेकंड नंबर पे आता है कोरबा 969 और थर्ड नंबर पे आता है बिलासपुर 971। ये है 18 जिलों के हिसाब से। और 27 जिलों के हिसाब से अगर हम देखें तो 27 जिलों के हिसाब से रायपुर का लिंगानुपात है 963, दुर्ग का है 966 और कोरिया का है 968, ठीक है। तो यहाँ पर लिंगानुपात हमको देखना है, 27 जिलों के हिसाब से रायपुर सबसे कम है और 18 जिलों के हिसाब से कोरिया सबसे कम है, ठीक है। तो ये लिंगानुपात का हो गया। अब हम देखते हैं जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितनी वहां पे जन मतलब लोग रह रहे हैं, एक वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को बोला जाता है जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, यानी एक वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग रह रहे हैं। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य है बिहार 1106, यानी एक वर्ग किलोमीटर पर वहां पर 1106 लोग रह रहे हैं। फिर आता है पश्चिम बंगाल 1028, फिर आता है केरल 860, फिर आता है यूपी 829। सबसे कम वाला है अरुणाचल प्रदेश जहां पर है 17, मिजोरम में है 52 और सिक्किम में 86, ठीक है। अरुणाचल 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। अगला देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, तो 2001 के हिसाब से थी पॉपुलेशन डेंसिटी 154, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 154 लोग रह रहे थे। 2011 में ये बढ़कर 189 हो गया है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रह रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस भी पेपर में पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है, तो 2001 से 2011 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी में डिफरेंस आया वो आया 35 का, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए आ जाएगा।
अगला देखते हैं 18 जिलों के हिसाब से मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। 18 जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा थी जांजगीर चांपा 420, दुर्ग 392, रायपुर 328 और सबसे कम नारायणपुर 30, बीजापुर 30 और दंतेवाड़ा 64। ठीक है, 27 जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है दुर्ग 742, फिर आते हैं रायपुर 741, फिर आता है जांजगीर चांपा 362, फिर आता है बिलासपुर 337, सबसे कम नारायणपुर 20, बीजापुर 38, सुकमा 44 और दंतेवाड़ा 83। ठीक है, तो ये 27 जिलों के हिसाब से ये वाला जो डाटा है ये मैंने जो गवर्नमेंट की आर्थिक संचनालय वाली साइट है वहां पर दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं जाकर। तो ये डाटा वहां से लिया गया बुकों में। ठीक है, ये 27 जिलों के हिसाब से डाटा वहां से लिया गया है। और रैंक देखते हैं छत्तीसगढ़ का, तो रैंक जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से छत्तीसगढ़ का रैंक राज्यों में आता है 20वें नंबर पर, यानी 20वें नंबर का राज्य है पॉपुलेशन डेंसिटी में छत्तीसगढ़। और यदि अगर मैं यूनियन टेरिटरी भी जोड़ दूं यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ का स्थान 25 हो जाता है। तो ये हो गया पूरा बेसिक चीजें। आपको ऑप्शन से पहचानना पड़ेगा कि वहां पर अगर नए जिलों के नाम दिया है तो वो जो है 27 जिलों के हिसाब से पूछ रहा है, नहीं दिया तो 18 जिलों के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। इसके आगे हम और साक्षरता वाले पार्ट, अनुसूचित जाति जनजाति वाला पार्ट भी देखेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं इसका। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। सबसे पहला, गवई के गीत ये रचना किसकी है, गवई के गीत। सेकंड है, सुरही गैया कहानी के कहानीकार कौन है, सुरही गैया। थर्ड है, महाभारत चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, महाभारत चक्रव्यूह। फोर्थ नंबर है, सासों की दस्तक के रचनाकार कौन है, गवई के गीत, सुरही गैया, महाभारत चक्रव्यूह और सासों की दस्तक। ये चार क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दो से तीन वीडियो में ये कवर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसको आप जो है एक प्रॉपर नोट्स बनाकर अभी से रख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।